सरकार नशे में है और हम उनको जगाने का काम करेंगे। ये धमकी नहीं दे रहे, अरे उनकी तो डिमांड है। इन्होंने थूक के चाट लिया। थूक के चाटने वाली सरकार देश को नहीं चाहिए। थूक के चाटने वाले प्राइम मिनिस्टर देश को नहीं चाहिए। जब सरकार जो हमने बनाई है, भारत की सरकार है, किसी के बाप की सरकार नहीं। सरकार देश की जनता है, 140 करोड़ लोग हैं। कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन है हिंदू, कौन है हिंदू के ठेकेदार? अगर जिसको राम पे भरोसा है तो चुपचाप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए ना। इनको ना राम पे भरोसा है, वो इशारा जैसे यहाँ से होगा वैसे बंदर नाच करेगा। बंदरों की तरह नाच हो रहा है, सारे अपने घर घुसे हुए हैं, बिल्ली की तरह म्याऊं बनके, चूहे की तरह से बिलों में बड़े हुए। ये देश के लोगों की क्या सुरक्षा करेंगे? जो नपुंसकता इस वक्त दिखा रहा, देश सब देख रहा है, नपुंसक लोगों की इस देश को जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। एक बार फिर से आज ईवीएम को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें तमाम चीज़ें नज़र आई हैं। इसमें जिस तरीके से महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह लगातार ईवीएम को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नंबर जारी कर रहे हैं और लगातार चीज़ें बता रहे हैं किस तरीके से ईवीएम को हैक करा जाता है ताकि जनता ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाए और उनके साथ मिलकर रहे, तो इसी को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आज हमारे साथ बलराज सिंह मलिक मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे सीधा। बताते हैं, बीजेपी के वर्करों ने या उनके कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। इसकी लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना के धारा 44 जो लगाई जाएगी, उस धारा 44 को ये देश तोड़ेगा और किसी का भी कुछ भी नहीं बिगड़ना। देश की जनता को ये बताना चाहते हैं। सर, सवाल कि आप लोग भड़का रहे हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भड़का रहे हैं कि पीएमओ का घेराव करें, ये भड़का रहे हैं। अगर ये भड़काने की बात है तो इस देश में प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री का लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, नार्को टेस्ट किया जाए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए और पता चल जाएगा कि सारी गड़बड़ों के पीछे कौन है। सर, विपक्ष आपके अगर तैयार हैं तो बिना इलेक्शन के फिर ऐसे प्राइम मिनिस्टर को दोबारा ले आएगा ये देश, अगर वो इन चीजों के लिए तैयार हैं तो। सर, आपकी लड़ाई में विपक्ष कितना सहभागी है? 100% विपक्ष 100% सहभागी है। सारे देश के एनजीओ, सारे देश के ऑर्गेनाइजेशन, किसानों के, खाप पंचायतों के, मजदूरों के, सरकारी कर्मचारियों के, और क्या जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं चाहे, और सब देश में कोई मना ही नहीं कर रहा, सब इस मुद्दे पे सहमत हैं। और ये मुद्दा होगा और जरूरत पड़ी तो अगर लोगों पे धारा 44 लगा के लोगों को रोकने की कोशिश करी, लोगों को जेलों में डालने की कोशिश करी, पूरा देश की जनता इसमें उन लोगों के साथ आएगी। और जरूरत पड़ी तो अगर ज़्यादा सरकार की तरफ से इस तरह से मिसयूज किया गया पावर का, तो देश के लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर जाएंगे, घेराव भी कर सकते हैं और आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे के ये कहेंगे, हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ही फिर ये इलेक्शन होगा। क्या लगता है 25 फरवरी को आपको पीएमओ तक पहुंचने दिया जाएगा? किसको? 25 तारीख को। अरे पीएमओ पीएम हाउस के पास पहुंचने से कौन रोकेगा? वो देश का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ कोई भी जाओ शांतिपूर्वक तरीके से, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ यही तो कहना चाहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, देश की भावनाओं को समझो, ईमानदारी के साथ आओ, ईमानदारी का सामना करो, राम की चादर ओढ़ के इलेक्शन जीतने की कोशिश मत करो, लोगों के दिल जीत के इलेक्शन जीतने की कोशिश करो और लोगों के दिल की बात करो, अपने मन की बात छोड़िए। आंदोलनकारियों को हमेशा रोका जाता ना सर? हम आंदोलनकारी कहाँ हैं? हम तो सच्चाई के प्रचार और प्रसार करने वाले हैं, हम आंदोलनकारी कहाँ हैं? आंदोलनकारी क्या होता है? आंदोलनकारी नहीं, इस देश के जो नाम रख दिए ना आंदोलनकारी, ये आंदोलन नहीं है। ये तो अपनी भागीदारी और अपनी सही बात को रखने के लिए, जब सरकार जो हमने बनाई है, भारत की सरकार है, किसी के बाप की सरकार नहीं, उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, कोई राष्ट्रपति हो सकता है, मगर वो सरकार नहीं है। सरकार देश की जनता है, 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ लोगों की बात अगर सरकार कहना बंद कर दे, सरकार नशे में हो, जैसे घर में भी कोई शराबी हो जाता है ना, शराब पी लेता है, वो अपने घर वालों को पहचानना छोड़ देता है, उनकी मानने से इनकार कर देता है, फिर उसके सिर पे ठंडा पानी डाल के या उसको थोड़ी सी निंद्रा, सो जा भाई, फिर आप तेरे को बताएंगे। जब सवेरे पूछते हैं भाई शाम ने को क्या कहा तुमने, फिर वो कहता है ना 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 ना, मैं तो नशे में था। इसलिए सरकार नशे में है और हम उनको जगाने का काम करेंगे। ईमानदारी से काम करो, संविधान की पालना करो, वरना इतिहास में बहुत ही कटु शब्दों से आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। सर, लोकसभा चुनाव के पहले किसान भी जो है कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं दिल्ली को। ये धमकी नहीं दे रहे, अरे उनकी तो डिमांड है। इन्होंने थूक के चाट लिया, पहले बात कही कि MSP देंगे और अब सरकार उनकी बात से मुकर रही है। थूक के चाटने वाली सरकार देश को नहीं चाहिए, थूक के चाटने वाले प्राइम मिनिस्टर देश को नहीं चाहिए। देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना ना कर पाए ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। देश को, देश की बहन बेटियां नंगी हो, प्राइम मिनिस्टर चुप और वहां जाने से डरे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर देश को नहीं चाहिए। देश में बहन बेटियों को रेप करके रात को शव जलाया जाए बिना पेरेंट्स की सलाह से, ऐसी सरकार और ऐसा प्राइम मिनिस्टर देश को नहीं चाहिए।
देश की उन बहन बेटियों को जब वो प्राइज जीत के आई, जब उनको अपना वो चाय पिला के अपनी फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में घर पे बुलाता है और फिर बाद में उनके मुंह पे जूते रखवाता है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर इस देश को नहीं चाहिए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर देश को देखना होगा कैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना कर पाए या जो छुप के रहे प्रेस से, ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। देश की जनता डिसाइड करेगी इस इलेक्शन में, और इसीलिए वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, उसी वजह से प्राइम मिनिस्टर के हाउस का या पीएमओ ऑफिस का जो भी हमारे साथियों ने निर्णय लिया है उसका घेराव करने का इसी यही मकसद है। और देश के लोगों में आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है कि डरो मत, सब कुछ हमारा है, सब कुछ देश का है, सब देश की जनता का है। चंद लोग इन पोस्टों पर आते जाते रहते हैं, जब ये बदमाशी पे उतारू हो जाए इनका इलाज भी देश की जनता को ही करना होता है। अपनी जिम्मेदारी निभाइए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सर लोग कह रहे हैं मोदी जी ने रामराज ला दिया है, क्या होता रामराज्य मुझे तो पता नहीं, ना रामराज्य हमारे बुजुर्गों ने देखा, ना हमने देखा, ना हमारे बच्चे देखेंगे। किसी एक आदमी का रामराज्य नहीं है, संविधान है, देश की व्यवस्था है, सारे के सारे 140 करोड़ राम हैं और 140 करोड़ लोगों की भागीदारी से ये देश चलेगा आगे। कोई एक खगड़ी इस देश को चलाएगा या देश को मंजूर नहीं। 47 में जूता मार दिया था राजशाही को, अब राजशाही ना पनपेगी ना पनपने देंगे। कौन संविधान की बात कर रहे हैं, कुछ लोग संविधान बदलने की बात भी कर रहे हैं, तो संविधान बदलने की कुछ चेष्टा जो कर रहे हैं उनको इस इलेक्शन में बदल दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन है हिंदू, कौन है हिंदू के ठेकेदार? हिंदू कोई है तो सनातनी परंपरा है, और सनातनी परंपरा का अगर सही बखूबी से ईमानदारी से किसी ने निभाया है, उसको आगे ले जाने की कोशिश की है, वो महात्मा बुद्ध हैं देश में, जो कहते हैं कि मेरा मेरे को भी फॉलो मत करो, मेरी भी बात मत मानो, अपना दीपक आप बनो, सच्चाई को समझो, सच्चाई के अनुसार जियो। और महावीर जैन ये लोग थे जिन्होंने सनातनी परंपराओं को ढोंग में नहीं फंसने दिया, ढोंग से बाहर निकाला। ये जो हिंदू हिंदू कह के मंदिरों की ठेकेदारी लिए बैठे हैं, ये 1% मुश्किल से लोग हैं, एक आदमी नहीं है, ये सारे वो लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पे रोजी रोटी इनका धंधा चलता है, उन लोगों के अलावा कोई इनके साथ नहीं है। प्रसाद खाने सब चले जाते हैं, वोट नहीं मिलेंगी इस बात पे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, इसलिए तो बैलेट पेपर से इलेक्शन चाहते हैं। अगर जिसको राम पे भरोसा है तो चुपचाप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए ना, इनको ना राम पे भरोसा है, ये राम को मुखौटा ओढ़ के जैसे किसी शेर बकरी का ओढ़ के जनता में घुस के शिकार करना चाहता है, उसी तरह से शिकार करने की कोशिश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये राम वाले लोग आपने देखा हल, पूरी कैबिनेट ऐसे हो रही है जैसे शेर के आगे बिल्ली या बिल्ली के आगे चूहा, इस कैबिनेट के लोगों में दम नहीं बचा आज के दिन, वो देश के लोगों के क्या फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन बचाएंगे ये खुद ही नहीं बोल सकते। इस देश में जो आज सरकार में कैबिनेट के मिनिस्टर हैं सारे अपने घर घुसे हुए हैं, बिल्ली की तरह म्याऊ बन के चूहे की तरह से बिलों में बड़े हुए, ये देश के लोगों की क्या सुरक्षा करेंगे। और इसी तरह से बीजेपी में जो एमपी लोग हैं सारे के सारे अपने टिकट लेने के लिए कि मोदी जी जितवा देंगे मशीन के बहाने, चुपचाप अपना दो मिलाते रहो, ये लोगों के प्रतिनिधि नहीं है, इन सबको बदलने की जरूरत है। ऐसे कोई भी जो नपुंसकता इस वक्त दिखा रहा, देश सब देख रहा है, नपुंसक लोगों की इस देश को जरूरत नहीं है, इस देश को उन लोगों की जरूरत है जो बोलने की स्वतंत्रता देते हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो आगे आना चाहिए, कितनी लंबी धारा 44 को लगा दी, प्राइम मिनिस्टर को तो आगे आना चाहिए कि भाई क्यों रोक लगा दी राहुल गांधी के उस पर, ये कुछ नहीं, ये पीएमओ के निर्देश हैं, ये चीफ मिनिस्टर में क्या हिम्मत, आसाम के चीफ मिनिस्टर में क्या हिम्मत है, वो इशारा जैसे यहाँ से होगा वैसे ही बंदर नाच करेगा, बंदरों की तरह नाच हो रहा है। सीएम कोई बचा है क्या? सीएम संविधान के हिसाब से चुने जा रहे हैं क्या? पर्चियों से चुने जा रहे हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया संविधान का और डेमोक्रेसी का। देश के नौजवानों से आह्वान है कि देश को बचाओ और अपना कंट्रीब्यूशन दो, देश आपको पुकार रहा है, और किसी झांसे में मत आओ। मंदिरों से ना मिला है पहले कुछ, ना आगे मिलेगा, ये सारा का सारा ढकोसला है, ढकोसले से बाहर आओ, ढोंग के चक्कर में मत फंसो, ढंग की बात करो, ढंग की बात के साथ चलो और सब अपना सहयोग करो। लेकिन सर जनता वोट तो कोर्ट के सामने भी कई बार आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। अरे बात सुनो, पूरी फौज गुंगों की होगी तो बोलेगा कौन? हम इशारे समझ लेते हैं, इशारे में सब लोग हमारे साथ हैं, जुबान से नहीं बोलेंगे, जुबान से नहीं बोलेंगे। सारे कर्मचारी लोग हैं, तनख्वाह के लालच में हैं, अपने बच्चों को इधर उधर गलत बेनिफिट दिलाने के चक्कर में हैं, और इनका भरता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो इस देश में कई कानून बने हुए हैं, कानून निरस्त करवाने की जरूरत करेंगे। अगली सरकार बनी तो हम मांग रखेंगे और ये बनेगी,
और ये सारे वो कानून बदलवाएंगे जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट होने के बाद नई नौकरियां, नई अपॉइंटमेंट देने का प्रोविजन है। इससे हमारी जुडिशरी रीड विहीन हो गई है, नपुंसक हो गई है, इसलिए देश को रीड विहीन और नपुंसक जुडिशरी नहीं चाहिए। इसके लिए भी काम करना होगा और देश के युवा अगर साथ देंगे तो रीड विहीन और नपुंसक जुडिशरी से निजात दिलाएंगे देश को। सर, जिस तरह 14 और 19 में मोदी जी के नाम पर वोट दिया गया था, क्या 24 में? किसमें? 14 और 19 में? 19 में कोई नहीं, 19 के तो आंकड़े हमारे पास हैं। मोदी जी के नाम पर 370 सीट ऐसी हैं देश में जहां पे 15-20 हजार उससे भी ज्यादा वोटें मिली, जितनी वोट पोल हुई उससे ज्यादा वोट मिली, और जो लोग वहां जीते इसी मार्जिन से जीते हैं, चोरी से जीते हैं। ये तो अपोजिशन में दम नहीं था, अपोजिशन के जो लोग ईडी इनकम टैक्स के चक्कर में उलझे हुए हैं उन लोगों की कमजोरी से लोग उन पर भरोसा करते रहे और वो बोल नहीं पाए वक्त पे। इसलिए एक और आह्वान है देश के लोगों को कि अब इलेक्शन इतने नज़दीक है साथियों, हमारे लोग हैं सारे के सारे, अपोजिशन के हों चाहे अपोजिशन के, हमें किसी से वैर नहीं है, हमें प्राइम मिनिस्टर से भी वैर नहीं है, वो भी हमारे हैं। हमारा सिर्फ कहने का मतलब है लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करो, ईमानदारी से काम करो, ट्रांसपेरेंसी काम करो। मगर अब जिस भी अपोजिशन लीडर को इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक आके गिरफ्तार करने की कोई कोशिश करेंगे, जैसा कि बता रहे थे वहाँ कौन से स्टेट है, झारखंड के सीएम को पकड़ने की कोशिश थी और वहाँ पुलिस सीआरपी पे भी अब मुकदमा बना, अच्छा बना। और देश के युवाओं से खासतौर पे और देश सब वासियों से आह्वान है, जिस भी अपोजिशन के लीडर पे अब कार्रवाई हो उसका साथ दो, क्योंकि इलेक्शन होने तक किसी को गिरफ्तार ना होने दो और विरोध करो ईडी का और इनकम टैक्स वालों का, क्योंकि ये रेड देश के हित में नहीं है, ये देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए। इसलिए ऐसे सब नेताओं को इस वक्त साथ दो, वो बेईमान होंगे तो अगली सरकार में उनका हिसाब कर लेंगे इलेक्शन होने के बाद। थैंक यू सर। तो सीधे तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से 25 फरवरी की इनकी डेट, 25 फरवरी की डेट दी इन्होंने कि 25 फरवरी को पीएम का घेराव करा जाएगा, और अब देखते हैं किस तरीके से घेराव करते हैं, क्योंकि जब जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं, प्रोटेस्ट को लेकर प्रदर्शन होता है, ईवीएम को लेकर प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन पुलिस वाले जो है डिटेन कर लेते हैं इनको। तो वही चीज़ देखने की 25 तारीख को क्या देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें जनता आवाज़।